वहाबी किसे कहते हैं। हैरत की बात है कि इतना अरसा लाहौर में रहते वहाबी को आप नहीं जानते। असल में एक शख्स था कूफे का रहने वाला जिसका नाम अब्दुल वहाब था। अब्दुल वहाब के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ और अब्दुल वहाब ने उस लड़के का नाम मोहम्मद रखा। यही वो शख्स था कि जिसने पढ़ने लिखने के बाद में लोगों को गुमराही की जानिब उसने तरहीब दिलाई। अगर आपको फुर्सत मिले तो आप अगर तफसील को पढ़ें तो आप हकीकत तक पहुंच जाएंगे कि ये वहाबियत ने जन्म कैसे लिया। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं कि सल्तनत उस्मानिया एक अजीम शान सल्तनत उस्मानिया थी। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की टूट फूट शुरू हुई तो इन्होंने बरतानिया ने क्या किया कि अपनी एक नौ आबादियाती मिनिस्ट्री कायम की और अपनी इस मिनिस्ट्री में बेशुमार जासूसों को मुसलमानों की तबाह और मुसलमानों की सल्तनत को तबाह करने के लिए उन्होंने दुनिया के हर शहर में भेजा। इसी तरीके से उन जासूसों में एक जासूस का नाम हम्फ्रे, आप किताब को मुलाहजा फरमाइए, कई जबानों में छप चुकी। अगर आप कहें तो हम उसके इकतबास आपको गोया इंटरनेट के जरिए से भी दे सकते। हम्फ्रे ने अपने एतराफात में जो जो उसने मजालिम ढाए, मुसलमानों की कैसे जासूसी की, सल्तनत इस्लामिया को कैसे तोड़ा, कैसे उसने अरबी पढ़ी, कैसे उसने इस्तंबुल में रहकर एक शेख से तुर्की जबान सीखी, उसको अगर आप पढ़ें तो उसने बड़ी तफसील से लिखा कि मैं इराक गया और इराक में मेरी मुलाकात मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से हुई। मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पर यह गुफ्तगू की कि शराब जो है वो हराम नहीं, और मैंने उसको कुरान मजीद और हदीस से ये साबित कर दिया कि शराब हराम नहीं, और उसको मैंने शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद फिर मैंने उसको एक नए जाल में फांसा और मैंने उससे कहा कि ये बताओ कि मुता जायज है या नहीं। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने कहा कि मुता तो हराम। फिर वो कहता है हम करे कि मैंने मुता पर मुनाजरा किया और मुनाजरा करने के बाद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को मुता करने पर मैंने आमादा किया। और इसी तरह नौ आबादियाती मिनिस्ट्री में एक बहुत हसीन जमील एक औरत थी जो हमारे साथ जासूसी काम करती थी, तो मैंने उससे उसकी शादी भी करा दी, तो उससे वो यह मुता भी करवाया। इस तरीके से फिर वो कहता है कि मैंने उसके जहन में ये बात डाली कि तुम बहुत बड़े स्कॉलर हो और अल्लाह तबारक व तआला ने किसी अजीम काम के लिए तुमको पैदा किया, और उसने कहा मैंने उसको ये झांसा दिया कि तुम ऐसे हो जैसे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह तआला नु हैं। और इस तरीके से गुब्बारे ने हवा भरने के बाद अंग्रेजों ने उसको नस की सरजमीन पर लाकर इस्तेमाल किया। उसकी किताब कदीमी भी हमारे पास मौजूद है और आजकल जो छपती है वो भी मौजूद है, जिसका नाम किताबो तौहीद। किताबो तौहीद अगर आप मुलाहजा फरमाएं तो उसने अपनी जमात के अलावा तमाम दुनिया के मुसलमानों को काफिर कहा, यहां तक कि वो इतना इंतहा पसंद था कि किसी औरत को जो सुन्नी होती उसको कहता कि तुम वहाबी बन जाओ, जब वो वहाबी बन जाती तो उसका सर मूंग देता, कहता कि ये उसके जमाने जाहिलियत के बाद। इससे उसकी इंतहा पसंदी का अंदाजा लगाइए। अल्लामा इब्ने आबिदीन इब्ने शामी जिनकी फतवे की किताब इब्ने शामी से कोई दारुल इस्ताबी मुस्तगनी नहीं हो सकता, अल्लामा शामी ने अपने मुकदमे में भी उसका जिक्र फरमाया। एक मशहूर हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माले गनीमत तकसीम फरमा रहे, एक कमबख्त मुनाफिक खड़ा हुआ और उसने ये अपने तई देखा कि मुझे शायद कम माल मिला। वो कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदल कीजिए अदल कीजिए। उसने फरमा कमबख्त मैं अगर अदल ना करूं तो है कोई दुनिया में अदल करने वाला। हजरत उमर रजी अल्लाह ने उस पर तलवार सूत ली, कहा हुजूर मारूं इसकी गर्दन। आपने फरमा नहीं, इससे कौम पैदा होगी जो कुरान पढ़ेगी मगर कुरान उसके हलकों के उनके हलक के नीचे से नहीं उतरेगा। अनवार अहमदी एक बड़ी मशहूर किताब है, हैदराबाद दक्कन के एक बहुत बड़े आलिम थे हजरत अल्लामा मौलाना अनवारुल्लाह साहब फारूक रहमतुल्लाह ताला, उस किताब पर हाजी इमदादुल्ला महावीर मक्की रहमतुल्लाह का हाशिया। दुनिया भर के वहाबी हाजी इमदादुल्ला महावीर मक्की को अपना पेशवा अपना इमाम मानते। अनवार अहमदिया पर हाजी इमदादुल्ला की तकरीर है और उसमें मौलाना अनवारुल्लाह साहब ने लिखा कि जिस शख्स पर हजरत उमर रजी अल्लाह के कत्ल करने के लिए तलवार सूती थी उसी की औलाद से मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पैदा हुआ, और इसलिए चूंकि वो इब्ने अब्दुल वहाब कहलाता था लिहाजा उसके मानने वाले को लोग वहाबी कहने लग गए।